तो हे गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रियलमी का 6 के बारे में। तो गाइस, जो रियलमी का 6 है वो ऑफिशियली माधव सेठ जी ने कंफर्म कर दिया है कि आपको ये जल्दी स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा इंडिया में, और इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको मीडिया टेक का G90 वाला प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh की बैटरी, और भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे इस स्मार्टफोन में। तो गाइस, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको रियलमी 6 के डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, और ये जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी रियलमी की तरफ से। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, पिछले ही मंथ मैंने रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो गाइस, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो रियलमी का 6 होगा उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, और वो रियर कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, वो जो लीक थी वो मैंने सिर्फ एक्सपेक्ट की थी, तो अब ये ऑफिशियल रियलमी की तरफ से कन्फर्म हो गया कि आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा Realme के 6 में, जो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और ऑफिशियली Realme ने Realme 6 सीरीज का पोस्टर भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कमिंग सून Realme 6। तो गाइस, इससे पता होता है कि जो Realme की 6 सीरीज होगी वो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी। अभी ये कंफर्म नहीं है कि Realme के 6 के साथ आपको 6 Pro भी देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हर बार जब Realme 5 और 5 Pro को लॉन्च करता है तो उसके साथ ही आपको Pro वाला वेरियंट भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके साथ ही आपको Realme का 6 Pro भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर इसके डिस्प्ले के साइज़ के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो भी काफ़ी बड़ी देखने के लिए मिलती है। तो आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो रेजोल्यूशन मिलेगा वो HD प्लस का देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, बट Realme का जो 5 था उसमें आपको HD प्लस वाला रेजोल्यूशन मिलता रहा, तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको HD प्लस वाला रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। और आपको जिसका फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो रियर वाली साइड देखने के लिए मिलेगा, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। और रही बात इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। जो आपको होल देखने के लिए मिलेगा वो सेंटर में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिल सकता है, जो एपरेचर f2.0 पर बेस्ड होगा। उसके बारे में बात करें इसके पीछे वाले कैमराज की, तो पीछे वाली साइड आपको 4 कैमराज मिलेंगे, जिसमें जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 वाला सेंसर दिया जाएगा। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स क्लिक करने के लिए कैमरा मिलेगा। और रही बात इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी मिलेगी वो 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको वूक की 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और जो आपको चार्जर मिलेगा वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, आपको काफी फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी Realme के 6 में। तो गाइस, इसके बारे में बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडिया टेक का G90 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको मीडिया टेक का G90 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, जो Redmi का Note 8 Pro था उसमें आपको G90T वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता था, जबकि जो Realme का 6 होगा उसमें आपको G90 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और रही बात इसके सॉफ्टवेयर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जो बेस्ड होगा Realme की UI पर। और बात करें इसके स्टोरेज वेरियंट और इसकी प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो आपको 10,000 से स्टार्ट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो बेस वेरियंट मिलेगा वो 4GB की रैम 64GB वाला वेरियंट देखने के लिए मिल सकता है, और जो सेकंड वेरियंट होगा उसमें आपको 6GB की रैम 64GB वाला वेरियंट देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी प्राइस आपको 12,000 के करीब देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो गाइस Realme ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया कि ये जो स्मार्टफोन है वो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा, और इसके कैमराज भी कंफर्म हो गया है और इसका प्रोसेसर भी कंफर्म हो गया था, पीछे लीक्स आए थे। तो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है वो आपको मार्च के मंथ में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, मार्च के मंथ में ही आपको Realme का बैंड भी देखने के लिए मिलेगा, शायद उसके साथ ही आपको Realme का 6 और 6 Pro देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगर इसी स्पेसिफिकेशन के साथ Realme का 6 लॉन्च होता है तो आप इसे परचेज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ लगे बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।